सो हेलो एवरीवन, नेशनल 18 न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने आपको पहले ही नोटिफिकेशन दिया था, आपको बताया था कि आज नेशनल 18 फिर से लाइव होने वाला है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने के लिए। तो देखिए, हम हाजिर हैं आप सभी के साथ, आप सभी के सामने एक खास विषय पर चर्चा करने के लिए। तो एक बार फिर से मैं दर्शकों का नेशनल 18 न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, मैं चाहूंगी कि वो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये खास जानकारी हर इंसान तक पहुंच सके, क्योंकि बहुत ही जरूरी है, आपकी सेहत से संबंधित है और आजकल एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय ये बना हुआ है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके साथ जुड़ पाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये खास जानकारी पहुंच पाए। चलिए, मैं उम्मीद करूंगी कि आप हमारी बात सुनेंगे और हर किसी तक पहुंचाएंगे ये संदेश, ये मैसेज, ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन जो हम आपको नेशनल 18 न्यूज़ आपको अभी देने वाला है। मैं रितिका आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस लिए, जो मकसद से आज हम यहाँ पर आए हैं, वो मकसद है आपकी सेहत से जुड़ा हुआ। जी हाँ, आपकी हेल्थ से जुड़ा हुआ। और ख़ास तौर पर आज के करंट टॉपिक में, आज जो सब चल रहा है, जितनी बीमारियाँ आप जानते हैं फैल चुकी हैं, उसके बारे में बहुत सारी अफवाहें भी फैल रही हैं। तो मेन मकसद हमारा यही है कि उन अफवाहों से आपको हम बचा सकें, उनसे दूर रख सकें और सही दिशा में आप जाएं, किसी के बहकावे में मत आएं, अपने पैसे व्यर्थ ना करें। क्योंकि जो जो भी लोग ये अफवाहें फैला रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब गरम करना चाह रहे हैं, क्योंकि रियलिटी कुछ अलग है और जो मैसेज सर्कुलेट किया जा रहा है वो बहुत ही अलग है। तो मैं बात कर रही हूँ कोरोना वायरस की। आज आप कह सकते हैं एक महामारी की तरह फैल रहा है कोरोना वायरस। चाइना के वुहान से शुरू हुआ ये कोरोना वायरस संक्रमण आज दुनिया भर में एक गंभीर समस्या बना हुआ है। अगर आपको याद हो तो सन 2002 में सारस नाम का एक वायरस, ये बीमारी चाइना में फैली थी, जिसका इलाज भी एक तरह से असंभव था। तो उसी के परिवार से, उसी का आप कह सकते हैं चाचा, मामा, काका, नाना, ये है कोरोना वायरस। उसी के परिवार का ही एक वायरस है, उसी से ही बिलोंग करता हुआ एक वायरस है कोरोना वायरस, जो बहुत ही तेजी से पूरी दुनिया में फैल चुका है। शुरुआत हुई इसकी चाइना के वुहान से। आप जानते हैं वुहान एक ऐसा, चाइना का एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर दुनिया भर से लोग आते हैं, खास तौर पे स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ाई करने के लिए। क्योंकि आप जानते हैं चाइना की टेक्नोलॉजी बहुत ही माशाल्लाह उम्दा है, तो उसी के अंतर्गत पढ़ने के लिए, वहाँ पर रिसर्च करने के लिए, चाहे वो स्टूडेंट हों, चाहे वो स्कॉलर्स हों, चाहे PhD होल्डर्स हों, चाहे इंजीनियर्स हों, वो सब वहाँ पर जाते हैं। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी जनसंख्या होगी वुहान की। तो आप सोचिए कि अगर एक संक्रमण वुहान से फैल रहा है, तो जाहिर सी बात है, क्योंकि दुनिया भर से वहाँ पर लोग आए हुए हैं, तो दुनिया भर में उसके फैलने का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। और यही हुआ। अब कोरोना वायरस सिर्फ चाइना की नहीं, सिर्फ वुहान की नहीं, बल्कि पूरे विश्व की समस्या बना हुआ है। हालांकि इसे, यहाँ तक कि इसे वर्ल्ड के बड़े बड़े साइंटिस्ट ने, या आप कह सकते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, एक इमरजेंसी की तरह डिक्लेयर कर दिया है। और इससे बच के रहने के ना जाने कितने उपाय चाइना सरकार और दुनिया भर की सरकारें अपना रही हैं। एयरपोर्ट्स पे इतनी चेकिंग होती है, एयरपोर्ट्स पे स्पेशली चाइना से आने जाने वाले यात्रियों पर खास नज़र रखी जाती है। चाइना के कुछ शहरों तक को ब्लॉक कर दिया गया है ताकि उनका कनेक्शन बाकी की दुनिया से कुछ समय के लिए तोड़ा जा सके। तो अब हम बात करते हैं कोरोना वायरस फैलता कैसे है। देखिए, वायरस, लगभग सभी वायरसेस के फैलने का तरीका एक सा ही होता है, लेकिन उसका संक्रमण किस हद तक आपको नुकसान पहुंचाता है वो अलग अलग होता है। वायरस के फैलने के मुख्य, जो जहां से वायरस ये फैल सकता है, वो हवा के द्वारा,
एयर वैक्यूल जिसको हम बोलते हैं उसके द्वारा फैल सकता है, यानी कि जब आप छींकते हैं, जब आप खांसते हैं, तो ये वायरस हवा में फैल आ जाता है, और उसी हवा को जब दूसरा व्यक्ति इनहेल करता है, अपने अंदर लेता है, तो ये वायरस उसके अंदर चला जाता है। एक और ख़ास बात मैं आपको वायरसेस के बारे में बताना चाहूँगी, जब तक ये आपके शरीर से बाहर रहता है ये नहीं फैल सकता, ये नहीं बढ़ सकता। आपके शरीर के अंदर जाने के बाद ही वायरस एक्टिवेट होता है, अपना काम करना शुरू करता है और आपकी पूरी बॉडी को ख़राब करता है, आपके ब्लड में फैल जाता है और जिसकी वजह से आपको कई बीमारियां लग जाती हैं। आपको ये भी मालूम होगा कि छोटी सी बीमारी जो खांसी जुकाम जो आम समस्या है, ये भी वायरस का ही इफ़ेक्ट है, वायरस की वजह से ही आपको खांसी जुकाम होता है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी जल्दी, कितनी तीव्रता से आपकी फैमिली में किसी एक को खांसी सर्दी जुकाम हुआ है, किसी एक को कोल्ड हुआ है, तो उसको पूरे परिवार में फैलने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती। घर के एक मेंबर को अगर सर्दी जुकाम हुआ है तो घर के लगभग सभी मेंबर्स को बहुत जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वायरस के फैलने की गति कितनी ज़्यादा होती है। एक छींक से भी वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में चला जाता है। तो हम बात करें कोरोना वायरस की, तो कुछ ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं या कुछ ऐसी दवाइयां इजाद कर ली गई हैं जो इस वायरस को या इस वायरस के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर सकती हैं। दोस्तों, ये मात्र अफवाह है, ऐसी किसी भी बात में, किसी भी बहकावे में आपको नहीं आना है। कोरोना वायरस की अब तक कोई दवाई, कोई एंटीबायोटिक, कोई वैक्सीन, कुछ भी इजाद नहीं हो पाया है, क्योंकि ये वायरस बहुत ही नया है, बहुत ही अलग है। मैं आपको समझाना चाहूँगी कि वायरस और उनकी दवाइयाँ उन पे कैसे काम करती हैं। एक वायरस की अपनी ही तरह की एक अलग मेडिसिन होती है। इसको आसान शब्दों में इस तरह से समझेंगे, जैसे एक ताले की एक अपनी चाबी होती है, किसी भी दूसरी चाबी से वो ताला नहीं खुल सकता। इसी तरह से एक वायरस को किसी दूसरे वायरस को ख़त्म करने वाली एंटीबायोटिक या दवाई कतई नहीं मार सकती। हर वायरस के लिए उसकी अपनी एंटीबायोटिक होती है। और जब सोचिए, ये वायरस ही इतना नया है, वायरस की वेशभूषा कैसा दिखता है, क्या इसका रंग रूप आकार है, जब हमें इसके बारे में ही कुछ मालूम नहीं है, यानी कि हमें अपने ताले के बारे में ही कुछ मालूम नहीं है, तो हम उसकी चाबी कैसे बना सकते हैं? चाबी जानने के लिए, चाबी बनाने के लिए हमें पहले ताले को अच्छी तरह से जानना ज़रूरी है। हमें ये समझना ज़रूरी है कि ताले का स्ट्रक्चर क्या है, ताला किस तरह से बनाया गया है। तो जब तक ताले के बारे में नहीं पता चलेगा, तो हम उसकी चाबी कतई नहीं बना सकते। इसी तरह से जब तक हमें कोरोना वायरस किस तरह का है, कैसा उसका स्ट्रक्चर है, किस तरह से वो बना हुआ है, तो तब तक हम उसकी मेडिसिन या उसकी एंटीबायोटिक या यूं कहें उसकी वैक्सीन या किसी भी तरह का उसकी आयुर्वेदिक दवाई नहीं बना सकते। तो याद रखिएगा, कोरोना वायरस की मार्केट में किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन उपलब्ध नहीं है। केवल और केवल बचाव, फैलने से बचाव ही इसका एकमात्र उपाय है कि आपको कोरोना वायरस के संक्रमण से दूर रखा जाए। दोस्तों, अगर ऐसा कोई दावा कर रहा है तो कृपा उससे दूर रहिए, और दूसरे लोगों को भी इस बारे में अलर्ट कीजिए कि कोरोना वायरस की कोई मेडिसिन नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा कोई कर रहा है तो वो केवल ठगी है, वो सिर्फ अपनी जेब गर्म कर रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस की दवाई मार्केट में अवेलेबल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और, कुछ और अफवाहें भी हैं कि अभी हम जितनी भी ये बातें सुन रहे हैं, हमें इसका आप कह सकते हैं सेंटर पॉइंट हमें नहीं पता कि कोरोना वायरस एक्चुअली कहाँ से आया है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सी फूड से आया है, कुछ लोग बोलते हैं कि रेप्टाइल्स जैसे सांप और इन सब जानवरों से आया है, या कुछ लोग बोलते हैं कि डॉग से आया है। कुछ अलग अलग अपने सबकी थ्योरीज हैं, हाइपोथेसिस हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट ओरिजिन अभी तक हमें मालूम नहीं है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। लेकिन
अभी जब ये आ गया है तो इस पे रिसर्चेस चल रही हैं कि कैसा है, कहाँ से ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि इस वायरस का ओरिजिन कहाँ से हुआ। जब इसका स्ट्रक्चर मिल जाएगा तो शायद साइंटिस्ट इसके इसको ख़त्म करने के एंटीबायोटिक्स भी बना सकें। हो सकता है इन फ्यूचर आपको वैक्सीन्स, टीकाकरण जिसको बोलते हैं, कि आपको कोरोना के लिए बचपन में ही इंजेक्शन्स लगने शुरू हो जाएं, ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर, लेकिन ये अभी बहुत बाद की बात है। तो ऐसे कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी सामने आ रही हैं कि कुछ लोग मान रहे हैं कि चाइना की चाल हो सकती है। अब चाइना की चाल कैसे? देखिए, बायोलॉजिकल वेपन्स बहुत सारी कंट्रीज इन्वेंट करती थी, हालांकि ये बैंड है, आप नहीं कर सकते ऐसा, लेकिन फिर भी इंटरनली कुछ कंट्रीज में ऐसा काम चलता रहता है जहां वो अपनी सुरक्षा के लिए कह ले या दूसरों को खतरे में डालने के लिए बायोलॉजिकल वेपन्स बनाती रहती हैं। तो कयास लगाए जा रहे हैं कि चाइना भी एक ऐसा ही बायोलॉजिकल वेपन बना रहा था। बायोलॉजिकल वेपन दरअसल होता क्या है, इसमें कुछ जीवाणु का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कोई बड़ी बीमारी किसी दूसरी कंट्री में फैलाई जा सके, दूसरे लोगों को बीमार किया जा सके, या आप कह सकते हैं डिपेंडेंट बनाया जा सके। तो इसी तरह का कुछ बायोलॉजिकल वेपन की तैयारी चाइना में चल रही थी, और वहीं से ही एक्सीडेंटली ये कोरोना वायरस लीक हो गया और लोगों को इन्फेक्ट करना इसने शुरू कर दिया। लेकिन ये भी कहीं प्रूव नहीं हुआ है, ये सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, कुछ थ्योरीज सामने आ रही हैं। इसके अलावा कुछ थ्योरीज और भी सामने आ रही हैं, जैसे कि इनकम सोर्स जनरेट करने के लिए। इनकम सोर्स कैसे जनरेट करने के लिए? चाइना दूसरे कंट्रीज को दवाइयों के लिए अपने ऊपर निर्भर करने के लिए ऐसा कर रहा है। जानबूझ के चाइना ने इस वायरस को बनाया और इस वायरस को संक्रमण इसका फैलाया ताकि लोग इसकी दवाई के लिए, इससे बचने के मेडिसिन के लिए चाइना के ऊपर निर्भर हो जाएं और यहाँ से वो दवाइयाँ एक्सपोर्ट करें। क्योंकि हम जानते हैं कि सिर्फ चाइना में ही नहीं, वर्ल्ड वाइड ना जाने कितने लोग अब तक इसकी चपेट में आ चुके हैं, कितने लोगों में संक्रमण पाया जा चुका है। तो चाइना का ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के रूप में भी सामने आ रहा है। हो सकता है चाइना की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो, अब अभी ये वायरस सामने आया है, हो सकता है 1 महीने के बाद आपको पता चले कि चाइना में कोरोना वायरस की मेडिसिन तैयार हो गई है, जो कि प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है कि इतनी जल्दी किसी वायरस का स्ट्रक्चर पता लगाया जा सके और उसकी एंटीबायोटिक तैयार कर ली जाए, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हो सकता है अगर आपको 1 महीने के बाद ये सुनने को मिले कि चाइना के पास इसका इलाज आ गया है, तो हम समझ जाएंगे कि डेफिनेटली ये चाइना की एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी, एक अपना मेडिसिन का बिजनेस, अपना एंटीबायोटिक एक्सपोर्ट को बढ़ाने की एक टेक्निक थी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, आपको बहुत काम आने वाली है। और क्योंकि कोरोना वायरस इस वक्त बहुत से लोगों की जान ले चुका है और बहुत से लोग इससे डर में हैं, तो बिल्कुल डरिएगा नहीं, सिर्फ सावधानी रखिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। लेकिन ये भी याद रखिए कि इस सुरक्षा के चक्कर में आप किसी और के राइट्स को नहीं नुकसान पहुंचाएं, किसी और को हर्ट नहीं करें। क्योंकि जब हम किसी से दूरी बनाते हैं, लाइक अगर किसी को खांसी जुकाम सर्दी जुकाम है और हम बिल्कुल उसके पास नहीं जा रहे हैं डर से कि कहीं हमें ना हो जाए, हम उससे दूर रह रहे हैं, बट ऐसा नहीं हम करें कि हम उसके राइट्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं या हम उसके इमोशंस को हर्ट कर रहे हैं। उसे खाना चाहिए तो हम खाना नहीं दे रहे, उसे किसी खास चीज़ की ज़रूरत है वो हम उसको प्रोवाइड नहीं कर रहे इसी डर से कि कहीं ये संक्रमण हमें ना लग जाए, तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। सावधानी बरतिए, अपने आप को, अपने आसपास, अपने परिवार की सुरक्षा कीजिए, मास्क पहन के जाइए जब भी आप किसी भीड़भाड़ वाले एरिया में जा रहे हैं, अपने हाथों को हमेशा सैनिटाइजर से, स्पेशली अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से साफ रखिए, साबुन से थोड़ी थोड़ी देर में हाथ धोते रहिए, और बहुत ऐसी चीज़ों को ना छूइए जो बहुत सारे लोगों के थ्रू आई है, जैसे होते हैं, या बहुत ज़्यादा इनको इस्तेमाल, थोड़ा कोशिश कीजिए कि कम से कम इस्तेमाल किया जाए ताकि ये संक्रमण आप तक ना पहुंच सके।
तो ये जानकारी मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके बहुत काम आने वाली है और आपके दोस्तों को, आपके फैमिली को, आपके फ्रेंड्स को इस जानकारी की ज़रूरत है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। आपको अच्छी लगी हो जानकारी, महत्वपूर्ण लगी हो, तो इसे लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत जल्दी हम फिर आपसे मिलेंगे एक नए ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। आपका ध्यान रखने, आपके फैमिली का ध्यान रखने और आपको कुछ नई बातों की जानकारी देने के लिए, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।